नया साल आते ही हम अपने रिजोल्यूशन के साथ साथ घूमने फिरने में भी व्यस्त हो जाते हैं। इस वीडियो में हम भारत में जनवरी में घूमने लायक कुछ जगहों के बारे में चर्चा करेंगे जो सर्दियों के मौसम के चरम पर पहुंचने के साथ बेहतर हो जाती है। चाहे आप अपना जनवरी महीना केवल आराम करना चाहते हो या प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो या आप नए साल की शानदार शुरुआत करने के लिए कुछ साहसिक गतिविधियों की तलाश कर रहे हो, हम आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। इसकी जांच पड़ताल करें। नंबर वन, दिल्ली। जनवरी के महीने में दिल्ली के आकर्षण से बढ़कर कुछ नहीं है। खूबसूरत लोग, जीवन त्योहार और एक राष्ट्रीय कार्निवल। भारत की राजधानी हर सर्दियों में अपने टूरिस्ट को एक से अधिक तरीकों से आकर्षित करती है। यह आकर्षण ही है जो दिल्ली को जनवरी में भारत के सर्वोत्तम स्थलों के श्रेणी में रखता है। जहां पुरानी दिल्ली के मुगलाई व्यंजन तेज बस को गुदगुदाते हैं, वहीं मेडिवल युग की बेहतरीन प्राचीन आर्किटेक्चर आपको आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन अगर मुझे एक बात रेखांकित करनी हो जो किसी को भी जनवरी में शहर का दौरा करने के लिए मजबूर करती है, तो वो रिपब्लिक डे परेड होगी। परेड भारत के कई तत्वों को प्रदर्शित करती है और अपनी उत्कृष्टता और बेहतरीन निष्पादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दिल्ली में घूमने की जगह है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, आर्किटेक्चर और बावली इन मेहरावली, अक्षरधाम मंदिर, जामा मस्जिद, इस्कॉन टेंपल नियर ईस्ट ऑफ कैलाश, लोटस टेंपल और लुथियंस दिल्ली। दिल्ली में करने के लिए चीज़ें, इंडिया गेट पर रिपब्लिक डे परेड देखें, करोल बाग, सरोजिनी नगर में शॉपिंग करने जाएं, पुरानी दिल्ली में मुगलाई व्यंजनों का स्वाद लें और मजनू का टीला में तिब्बती बस्ती को एक्सप्लोर करें। आइडियल ड्यूरेशन 3 से 5 दिन। नंबर टू, जयपुर। राजस्थान की राजधानी बेपरवाह आकर्षण और शाही राजसी माहौल को उजागर करती है, जिसे शाही राज्य सदियों से विकसित करता रहता है। जनवरी के महीने में गुलाबी शहर का रंग और भी गहरा हो जाता है, जो इसे जनवरी में भारत में घूमने के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य प्रेमियों और पुस्तक शौकीनों का एक बड़ा संगम है जो जनवरी के महीने में होता है। इसके अलावा जयपुर भव्य किलों और महलों का दावा करता है जो शहर की शानदार भव्यता को दर्शाता है। आगे बढ़ें, अपना राजस्थान टूर पैकेज बुक करें और शाही पागलपन में डुबकी लगाएं और उत्कृष्टता का आनंद लें। जयपुर में घूमने की जगह, हवा महल, धार्मिक आमेर किला, जंतर मंतर, चौकीदानी और बिरला मंदिर। जयपुर में करने के लिए चीज़ें, 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीकानेर में बीकानेर ऊंट मेले में भाग लें। रोडवे से जयपुर से बीकानेर पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। आइडियल ड्यूरेशन 2 to 3 days। नंबर थ्री, कुछ जनवरी में भारत में घूमने के लिए एक रोमांचक जगह है। सफ़ेद रेगिस्तान राज्य में पर्यटक का एक प्रमुख सोर्स के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ अन्य किले और ऐतिहासिक इमारतें भी हैं जो यात्रा के शौकीन लोगों को आकर्षित करती है। कुछ रिच फ्लोरा एंड फाउना से समृद्ध है और यह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पसंदीदा निवास स्थानों में से एक है, जो विशेष रूप से सर्दियों के दौरान इस स्थान पर आते हैं। रण उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव प्राथमिक आकर्षण के रूप में कार्य करती है। कुछ में घूमने की जगह, व्हाइट डेजर्ट, रन ऑफ कुछ, सेंटर ऑफ डेजर्ट एंड ओशन, अवर गार्ड, कच्छ म्यूजियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आईना महल। कुछ में करने के लिए चीज़ें, रन उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लें
मांडवी में समुद्र तट पर खूबसूरत पक्षियों को घूमते हुए देखे। आइडियल ड्यूरेशन 2 to 3 days। नंबर 4, दीव। एक समय पुर्तगालियों के लिए एक शांत विश्राम स्थल रहा दीव, उन पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है जो पागल भीड़ से दूर एक सुखदायक विश्राम स्थल की तलाश में रहते हैं। जनवरी के विचित्र समुद्र तट, शांत वातावरण और शांत मौसम इस जगह को पूरी तरह से स्थापित करते हैं और इसे जनवरी में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में रखते हैं। यह वर्ष के लगभग उसी समय होता है जब फास्टर डी ड्यू एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट उत्सव होता है और इस समय के दौरान पूरे ड्यू को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ड्यू में घूमने की जगह: नागो बीच, सेल म्यूजियम, जलंधर श्राइन, ड्यू फोर्ट, गंगेश्वर टेंपल। ड्यू में करने के लिए चीज़ें: समुद्र तट पर बॉनफायर, दोस्तों के साथ कैंप लगाना, फेस्टो डी ड्यू में भाग लेना, नाव यात्रा, कायोस्क, पक्षी देखने जाना, गुफा में घूमने का प्रयास करना और जल गतिविधियों में शामिल होना। आइडियल ड्यूरेशन 2 to 3 days। नंबर 5, गोवा। गोवा विशेष रूप से बैचलर्स के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जिनकी सबसे अधिक प्रतीक्षित यात्रा योजना सर्दियों में अपने चरम पर होती है। समुद्र तट के वाइब्रेंट कलर्स इस जगह को शोभा बढ़ाते हैं और ताड़ के पेड़ों से घिरा समुद्र तट इसे भारत में जनवरी में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बनाता है। पुर्तगालियों की एक लोकप्रिय बस्ती गोवा में दोस्तों के साथ जनवरी में भारत में घूमने के लिए बहुत सारी बेहतरीन जगह हैं। भारत योग महोत्सव, गोवा लोक उत्सव जनवरी में गोवा में भाग लेने के लिए लोकप्रिय गतिविधियों का मुख्य आकर्षण बने रहेंगे। गोवा में घूमने की जगह: बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, दूधसागर फॉल्स, फोर्ट एक्वाडा एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी। गोवा में करने के लिए चीज़ें: बीच कैंपिंग, मडगांव और वास्को डे गामा को एक्सप्लोर करें, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य की विविध फ्लोरा एंड फाउना का पता लगाएं, नौसेना विमान संग्रहालय का दौरा करें और डॉल्फिन ड्राइव देखें। आइडियल ड्यूरेशन 3 to 7 days। नंबर 6, मुन्नार एलेपी थैकरी। एक बोट हाउस का शांत आश्रय, एक लाइट हाउस बीच की चमक और एक्साइटिंग क्रूसेस केरल को जनवरी में परिवार के साथ भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मानसून के चले जाने के बाद यह उस जगह को ग्रीनरी और डिवाइन ब्यूटी से भरपूर कर देता है। मुन्नार एलेपी थैकरी आपके लिए उपयुक्त ट्रायो है और केरल पैकेज बुक करने के बाद आपको जो अनुभव होगा वो किसी से कम नहीं होगा। मुन्नार एलेपी थैकरी में घूमने की जगह: कोलुकुमलाई टी इस्टेट, मटुपेट्टी डैम, लॉकहार्ट गैप, अनामुडी पीक एंड अलाफुजा लाइट हाउस। मुन्नार एलेपी थैकरी में करने के लिए चीज़ें: नाव यात्रा, कथकली नृत्य देखना, परियार पर लेजर क्रूज, बैलगाड़ी की सवारी का आनंद लेना, लंबी पैदल यात्रा करना, मसालों की खरीदारी करना और राष्ट्रीय हाथी की सवारी करना। आइडियल ड्यूरेशन 2 to 3 days। नंबर 7, मदुरई। जनवरी वो समय है जब तमिलनाडु अपने सबसे अच्छे दौर पर होते हैं। यह स्थान प्रकृति द्वारा अनगिनत रंगों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जनवरी ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव का समय है जो संस्कृति प्रेमियों के लिए एक परम आनंद है। लगभग उसी समय पोंगल स्टेट वाइज सेलिब्रेशन का आह्वान करता है, जिससे मदुरई और ममल्लापुरम जनवरी में दक्षिण भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थान बन जाते हैं। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर से निकलने वाले विशाल जुलूसों के साथ फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है। आप क्रिस्पी वड़ा और डोसा का स्वाद ले सकते हैं। मंत्रों के जाप से वातावरण शुद्ध होता है और रंगोली के घर भी शोभा बढ़ाते हैं। मदुरई में घूमने की जगह: मीनाक्षी टेंपल, गांधी म्यूजियम, समानर हिल्स, शोर टेंपल, पंच रथस, डिसेंट ऑफ द गैंजेस एंड द टाइगर केव्स।
मदुरई में करने के लिए चीज़ें, कृष्णा वाटरबॉल को हिलाने का प्रयास करें, सर्फिंग करें, लाइट हाउस को एक्सप्लोर करें, मगरमच्छ फार्म में मगरमच्छों को उनके नेचुरल हैबिटेट में घूमते हुए देखें। आइडियल ड्यूरेशन 2 डेज। हैदराबाद, भारत के मक्का का घर होने का गौरवशाली गौरव हासिल करने वाला हैदराबाद यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जनवरी के महीने में सुखद मौसम की स्थिति, जो ना तो बहुत गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंडी, हैदराबाद को जनवरी में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाती है। गोलकोंडा किला, मदीना और स्वादिष्ट हैदराबाद का खाना निजामों के शहर में आपकी छुट्टियां के प्रमुख आकर्षण हैं। हैदराबाद में घूमने की जगह: चारमीनार, गोलकोंडा फोर्ट, मक्का मस्जिद, रामोजी फिल्म सिटी, हुसैन सागर लेक। हैदराबाद में करने के लिए चीज़ें: शहर का भ्रमण, विरासत की सैर, चारमीनार क्षेत्र में स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना, हुसैन सागर झील में नौके का सवारी करना, बिरला विज्ञान केंद्र का पता लगाना। आइडियल ड्यूरेशन 2 to 4 डेज। नंबर 9, अंडमान। दुनिया से अलग यह जगह अब तक कपल्स के लिए जनवरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। टर्क्विस वाटर, रेशमी रेत, विचित्र समुद्र तट, प्रकृति का मनमोहक दृश्य, अंडमान को परिवार और प्रियजनों के साथ दिसंबर जनवरी में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। शांति और एकांतवास के लिए हैवलॉक द्वीप सबसे अच्छी जगह है। इस जगह में निश्चित रूप से पेश करने के लिए बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं। पर्यटक पूरे दिन समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं और विभिन्न जल गतिविधियां कर सकते हैं। अंडमान की सुंदरता और आकर्षण अनमैच्ड है, जो इसे जनवरी में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। अंडमान और निकोबार में घूमने की जगह: राधानगर बीच, नील आइलैंड, एलिफेंट एंड काला पत्थर बीच, वेनम्बर, सेलुलर जेल। अंडमान और निकोबार में करने के लिए चीज़ें: स्नॉर्केलिंग, स्कूबा डाइविंग, सेलुलर जेल में लाइट और साउंड शो का आनंद ले। आइडियल ड्यूरेशन 4 to 6 डेज। नंबर 10, पुरी। पूरी दुनिया में अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए लोकप्रिय पुरी में बहुत सारे खजाने हैं जो अधिकांश यात्रियों को आकर्षित करते हैं और इसे दिसंबर जनवरी में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में रखते हैं। सिल्का झील प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और विशेष रूप से जनवरी के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सर्दियों के दौरान मौसम सुहावना होता है और पक्षियों का झुंड इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। पूरी टूरिस्ट को फाइन आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैनशिप का एक अवास्तविक दृश्य भी देखने का अवसर देता है। पूरी में घूमने की जगह: पूरी बीच, कोणार्क बीच, सिल्का लेक, सिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूरी में करने के लिए चीज़ें: पक्षियों को देखना, अभयारण्य और मंदिरों की निजी यात्रा, झील में परिभ्रमण और मछली पकड़ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।